तहसील माट के नौजील ब्लॉक के गांव ओवा में गांव प्रधान द्वारा काटे गए जमीनी पट्टों की जांच ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पूर्व माध्यमिक विद्यालय ओवा पर आयोजित हुई, जिसमें उपजिलाधिकारी माट राजेंद्र पेंसनिया, तहसीलदार सुभाष चंद्र ने बैठक में सभी पट्टोदारों के नामों की सूची ग्रामीणों के सामने बोल बोल कर पात्र व अपात्र की जानकारी ली, जिसमें ग्रामीणों ने अपने अपने सहमति देते हुए पात्र व अपात्र की जानकारी बैठक के दौरान अधिकारियों को दी। बैठक समाप्त होते होते उपजिलाधिकारी के सामने पट्टों से वंचित रहे पात्र ग्रामीणों का दर्द झलक ही उठा और उपजिलाधिकारी महोदय को अपने अपने व्यथा सुनाते हुए ग्रामीणों ने पट्टा न मिलने का दर्द बयां कर ही दिया, जिस पर उपजिलाधिकारी माट राजेंद्र पेसनिया ने लेखपाल व ग्राम प्रधान को आदेशित करते हुए तीन पूर्व प्रधानों सहित वर्तमान प्रधान व लेखपाल कुल 5 लोगों की कमेटी बना पट्टेदारों के पात्र अपात्र की सही जांच कर पट्टे काटने के निर्देश दिए। आज जो खुली बैठक हुई है उसमें क्या निर्णय रहा? इसमें कृषि और आवास के पट्टों से संबंधित बैठक की, जो जिसमें जो अपात्र थे उनको बाहर कर दिया गया, जो पात्र हैं उनके नाम से प्रस्ताव कर दिया जाएगा ताकि जो भूमिहीन है उनको भूमि मिले और आवासहीन लोगों को। कितने लोगों को पट्टे दिए गए? लगभग 125 लोग हमारे कृषि के अंदर थे और 80-90 लोग हमारे आवास में थे, तो उसमें से शायद 30-30, 40-40 लोग दोनों में निकल जाएंगे, जो शेष बचेंगे उन सभी को पट्टे दिए। नाम करण सिंह। कौन से पद पर प्रधान है? मैं जो प्रधानपति। आज जो खुली बैठक हुई है उसमें क्या रहा? आज खुली बैठक में हमारे तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय आए थे जी। खुली बैठक प्रस्ताव पहले हो चुका था, उसकी पात्र व्यक्तियों की जांच करके जांच की थी जी। प्रकार से क्या रहा उसमें? उसमें सभी पक्ष विपक्ष मौजूद थे और उनकी पत्रावधि जांच करके ठीक है, पात्र व्यक्तियों के आवंटन हो जाएंगे। नहीं, अभी उन्होंने और कहा था पूर्व प्रधानों को लेकर के कमेटी गठित की थी, तो और जो शेष रह गए हैं तो वो जो ये कहा था कि आप जो है जो कोई रह गया हो उसकी एक पत्रावली और बना लेना, उसको भी किसी देंगे। तो मतलब भूमि और मकान के लिए? हाँ, आवास और एडीएस का कहना था कि कोई बचे नहीं जी, पात्र लोग बचे नहीं।